उनसे बात करते हैं मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पॉस्को एक्ट की बात की जा रही है, उसमें संशोधन की बात की जा रही है? नहीं, संशोधन की बात तो हम काफी दिन से कर रहे हैं, लेकिन आज जो आप देखेंगे कि जो बीजेपी बात कर रही है, अगर औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में बात कर रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो जब आए थे तभी वो 33% एम्पावरमेंट ला सकते थे, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं और वो हमेशा बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन आज उनकी 4 साल में हम देखते हैं कि जो क्राइम रेट है बच्चों के अगेंस्ट, वही 500% बढ़ा है। तो इसके लिए मोदी साहब के पास कोई जवाब है? बीजेपी के पास इसके लिए कोई जवाब है? हर दिन हम सुनते रहते हैं, हर दिन हम पढ़ते रहते हैं, और मैक्सिमम क्राइम्स आप देखेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर ये क्राइम्स हो रहे हैं, और क्राइम्स तो हो रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो इस तरह की जुल्म कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी वाले खुद खड़े हैं कि नहीं भैया तू कर ले, तुझे मैं बचा लूँगा, कुछ ना कुछ करके मैं बचा लूँगा, तो ये सब खत्म होना है। खुशबू सुंदर जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस की तरफ से ये कहना है इनका कि कर्नाटक में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं देश में हावी है, यूपी में तमाम तरीके इस तरीके से मोदी सरकार के रहते हुए, योगी सरकार के रहते हुए महिलाओं की असुरक्षा की घटनाएं सामने आ रही है। प्रीत किरण सिंह, हिंदुस्तान समाचार।